दूध हमारे तन को और पुष्ट करता है, उसी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध की ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन, इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता, एक बार यदि मोटी टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें, क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं।